भुखमरी की गगार पर बैंड कारोबारी व उनसे जुड़े लोग लखनऊ के गोसाईगंज में पूरा कबीरपुर गांव बैंड कारोबार पर ही आश्रित, लेकिन कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने इन बैंड कारोबारियों की धुन ही बिगाड़ दी। लखनऊ का कबीरपुर गांव बैंड बाजे वाले नाम से जाना जाता है, जहां रहने वाले लोग इन दिनों भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये पूरा गांव बैंड बाजों से होने वाली आमदनी पर ही आश्रित है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच शादी विवाह अन्य आयोजन बंद हो जाने से बैंड का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। आन लाखवन में छूट तो मिली, लेकिन बैंड का कारोबार अभी भी लाख है। शिवनगीना बैंड, गुरचरण लाल साहब। गुरचरण जी, ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद से जो ब्रास बैंड का धंधा है वो उस पर क्या असर पड़ा? असर पड़ गया, कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारे लेबर, हम लोग पूरे मालिक से लेकर लेबर जितने भी लोग जुड़े हैं गांव में, जितने भी बैंड हैं, हमारे 150 लोग हैं, वो सब बेकार। अच्छा, हमने सुना है ये कबीरपुर गांव ब्रास बैंड के लिए काफ़ी फेमस है, तो आखिर कितने लोग हैं ऐसे जो काम से जुड़े हुए हैं? इस तो दुकानदार हमारे गाँव के हैं, बाकी मजदूर बाहर के हैं, कारीगर भी बाहर से आते हैं। समथिंग 90 टालियां हमारे गांव में हैं, जो 90 पार्टियां हम लोग निकाल सकते हैं। 90 प्रतिदिन। ऐसे में आप लोग का घर का खर्चा कैसे चलता है, कैसे चल पा रहा है? कैसे चल रहा, कोई सरकार के कोई लाभ भी नहीं मिला। हमने मुख्यमंत्री से भी थोड़ा भेजा था एक पत्र कि हम लोग कोई सहायता की जाए, क्योंकि हम लोग बीच के हैं, ना तो हमें कोई राशन मिलना, ना तो हमें कोई और फ़ायदा होना। जो बयाना है उसको भी लोग मांग रहे हैं, जैसे पहले एडवांस कटे कैंसिल कराने पर कहते हैं वापस करो, और हम लोग कहाँ से पैसे दे पाए। ऐसे तैसे ही चल रहा, भगवान भरोसे ही मान के चलिए, बस उसी तरह चल रहा, क्या करें हम लोग। बिल्कुल समस्याएं क्या आ रही हैं आप लोगों के सामने? समस्या पूरी तरफ समस्याएं क्या, बारात बिल्कुल बंद है, बिल्कुल हम लोग एकदम घर पे बैठे हुए हैं। सत्तारी क्या करें, दुकान खोलने या न खोलने इससे कोई लाभ ही नहीं। ना आती जो बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो गई हमारी।